कुमार रहीम बच्चों, आप देख रहे हैं साइक्लोन केमिस्ट्री सीरीज और हम डिस्कस करेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ जो कि गैसेस के मुताल्लिक का कानून है और हमने आज डिस्कस करना है कि गैसेस की डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के बारे में एक जो एक कानून हमारे पास मौजूद है जो कि ग्राम्स लॉ कहलाता है, उसको हमने डिस्कस करना है। तो ग्राम्स लॉ आप पढ़ रहे हैं, क्या है कि ग्राम जिला अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सिंपली ग्राम जिला में जो रिलेशन बताया गया हमारे पास वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन और साथ ही बात की गई है डेंसिटी ऑफ गैसेस के हवाले से के गैसेस का डिफ्यूज या एफ्यूज होना और साथ ही गैसेस की डेंसिटी का आपस में ताल्लुक बयान किया गया है। हम ये बात जानते हैं गैसेज की डेंसिटी कम ज़्यादा होगी जब हमारे पास गैस मालिक्यूल्स के दरमियान फासला कम होगा, उनके दरमियान इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज हैं किसी हद तक मजबूत होंगी, मालिक्यूल करीब करीब होंगे तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और अगर हमारे पास मालिक्यूल दूर दूर होंगे तो उनकी डेंसिटी कम होगी। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास गैसेस की अगर डेंसिटी ज़्यादा हो मीन मालिक्यूल का साइज बड़ा हो, मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इससे क्या होगा वो मालिक्यूल जल्दी इफ्यूज या डिफ्यूज नहीं होंगे। तो मतलब क्या होगा अगर डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या डिफ्यूजन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम जिला में हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन का आपस में जो ताल्लुक पढ़ रहे हैं वो डेंसिटी के साथ इनवर्स ताल्लुक है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैसेस। हम लिख सकते हैं कि और इसका हमारे पास इसका दुरुस्त रिलेशन क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अब आप कहेंगे स्क्वायर रूट कहाँ से आ गया, स्क्वायर रूट बेसिकली हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास ना ये एक मैथमेटिकल हमारे पास टर्म इसमें आ जाती है, जब कैलकुलेशन करते हैं तो जब तक हम स्क्वायर रूट नहीं लेते तो इनका आपस में इनका जो ताल्लुक है वो दुरुस्त बनता नहीं है। इसलिए हमें अब इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह पढ़ते हैं, हम जब पढ़ते हैं आपसे कहा गया हमारे पास जिस तरह ग्रेविटेशन का कानून है, ग्रेविटेशन का कानून क्या होता है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, चार्जेस के दरमियान फासले के मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो हमारे पास रीजन यहाँ पर है और वही रीजन हम यहाँ बयान करेंगे कि जहाँ पर भी फोर्स और उनके दरमियान और चार्जेस के दरमियान फासले को इनकी कैलकुलेशन को बिल्कुल इक्वल करने के लिए कैलकुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया हुआ है और यहाँ भी हमने स्क्वायर रूट इसलिए ले रखा है। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं इसे निकालते हैं, क्या बन जाएगा रेट इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। अगर मैं रेट यहाँ पर आर लिखो तो कोई त्रास तो नहीं है, आर इज इक्वल टू के ओवर स्क्वायर रूट ऑफ डी। अब डी इधर ले जाओ क्या बन जाएगा आर मल्टीप्लाई विद स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू के, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब आपने क्या करना है, हमारे पास अगर दो गैसेस हों, हमारे पास अगर एक गैस ए हो या अगर एक गैस हमारे पास वन हो दूसरी गैस हमारे पास टू हो, तो गैस वन के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी आर वन क्रॉस डेंसिटी ऑफ द वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दूसरे मॉलिक्यूल के लिए क्या बनेंगे हमारे पास आर टू क्रॉस डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू द रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब क्या करें इधर इक्वेशन का नाम दे दें, इसे आप इक्वेशन नंबर दे दें एल का नाम दे दें और इसे आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें। अब क्या करें सो डिवाइड इक्वेशन एल बाय इक्वेशन ए, इस नाम पर इक्वेशन एल क्या है आर वन क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ बी वन ओवर आर टू स्क्वायर रूट ऑफ डी टू इज इक्वल टू के ओवर के से के कट जाएगा, ये डी टू उधर ले जाओ और डी वन नीचे ले जाओ, ये बन जाएगा हमारे पास आर वन ओवर आर टू इज इक्वल टू डी टू स्क्वायर रूट ओवर डी वन का स्क्वायर रूट। अगर मैं दोनों का स्क्वायर रूट एक
देखा तो इतराज तो नहीं है। R1 R2 is equal to D2 over D1। तो बेटा अब थोड़ा हम इसको थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करते हैं। डेंसिटी और मोलर मास के यहाँ ताल्लुक बयान किया गया है। हम ये बात जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी इक्वेशन, डेंसिटी इक्वल टू Pm over RT। डेंसिटी ऑफ द गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास ऑफ द गैस। कि गैस का मोलर मास मीन गैस का मास या गैस का मॉलिक्यूलर मास कर लें, कि गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, वो गैस की डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह डेंसिटी को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, मोलर मास से रिप्लेस कर। ये हमारे पास बन जाएगा आर वन ओवर आर टू इज इक्वल टू एम वन ओवर सॉरी एम टू ओवर एम वन। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है ग्राम ग्राम डिफ्यूजन वैल्यू की। चलो कल हम डिस्कस करेंगे डेमोंस्ट्रेशन और ग्राम ग्राम मीन। हम प्रैक्टिकली इस बात को साबित करेंगे किस तरह से गैस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो, गैस मॉलिक्यूल का मोलर मास ज्यादा हो, जब मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो, मॉलिक्यूल का मोलर मास ज्यादा हो, उससे किस तरह से रेट ऑफ डिफ्यूजन